जय केसीआईएस, जय मिशन 90 प्लस, सभी का केसीआईएस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जुनून, हौसला और डेडिकेशन आज भी वही है। जुनून, हौसला और डेडिकेशन आज भी वही है। केसीआईएस ने पढ़ाई का तरीका बदला है, तेवर नहीं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता है हालात खिलाफ है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है हालात खिलाफ है, क्योंकि इनके अंदर जुनून बेहिसाब है, जुनून बेहिसाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज की इस कोरोना की विपरीत परिस्थितियों की, जहाँ इन विपरीत परिस्थितियों में अधिकांश स्कूल्स बंद है, सरकार भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। इन विपरीत परिस्थितियों में केसीआईएस परिवार ने जिम्मा उठाया है, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको घर बैठे पढ़ाने का। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस केसीआईएस परिवार के सीएमडी, फाउंडर एंड सेक्रेटरी मिस्टर कृपाराम जी ठोलिया से। उनसे हम जानेंगे कि आज किस तरह से कोरोना महामारी में जहां अधिकांश स्कूल्स हताश है, निराश है, उन्होंने किस तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और उनसे जुड़ी हुई काफ़ी सारी बातें। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कृपाराम जी ठोलिया सर को। सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ जी सर। सर, विपरीत परिस्थितियों में जहां लोग हताश और निराश है, आपने इस निराशा भरे माहौल में भी इस निराशा भरे माहौल को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। हाँ जी सर, कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो, वो एक बढ़िया और शानदार आपको एक अपॉर्चुनिटी देके जाती है। तो आई थिंक अपन दो तरह से सोच सकते हैं कि एक तो आपके सामने कभी विकट परिस्थिति आए, कुछ इस तरह का माहौल पैदा हो, तो अपन टूट सकते हैं, और दूसरा वही समय होता है जब आपको मजबूती के साथ खड़ा होकर के अपने आप को निखारने का टाइम होता है। तो हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने सर दिन रात मेहनत करके, और हिम्मत नहीं आ रही, हौसला नहीं आ रहा कभी ज़िंदगी में, और आगे बढ़ने का निर्णय लिया, और इसी का परिणाम है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज हमारे बच्चों को मिल रहा है, और जिससे जो पढ़ाई का सिलसिला चल पड़ा है वो दस्तूर जारी है सर। ठीक है सर। ये सर डिजिटल स्टूडियो जो है, अभी जो हम जिसमें बैठे हैं जी, जो आपने डिज़ाइन करा है, तैयार करा है जी सर, और ये जो अभी लाइव क्लासेज चल रही है, इसका आइडिया कब से आया सर, कोरोना के पहले या कोरोना के बाद? जी एक्चुअली अपन डिजिटल की बात करें तो कैसे इस परिवार हमेशा से इनोवेशन के साथ में नए नए प्रयोग करता रहता है। 2011 से हमने डिजिटल क्लास की शुरुआत की थी, कोरोना आ जाया है, हम तो पहले से ही नए प्लेटफॉर्म और नई जो चीज़ें हैं उनकी तैयारी हम पहले से करते आए हैं। तो ये हमारा जो आज जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हो, ये हमने कोरोना से पहले तैयार कर लिया था। अच्छा। हमने 2019 के अंदर, नवंबर में 2019 में हमने इसकी लगभग सारी तैयारियां शुरू कर ली थी। अच्छा। और जनवरी तक आते आते हमने अब बच्चों को इस डिजिटल का ऐप दे दिया। अच्छा। और सारी की सारी फैसिलिटी है वो हमने पहले से ही शुरू कर दी थी सर। जी सर। हमारे साथ एक बच्ची है सर, हमारी स्टूडेंट है जी, सोनू, जी सर, 8 की बच्ची है जी, जी। हम उसका व्यू लेना चाहेंगे जी, जी, बहुत होनार देखते हैं जी, होनार बच्ची सोनू, क्या कहते हैं, बहुत ही होनार बच्ची है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनू बानो एंड आई एम फ्रॉम 9th क्लास, आई एम स्टडीइंग कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल कुचेरा। बहुत ही होनार बच्ची है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेट टू थैंक्स टू ऑल माय हार्ड वर्किंग टीचर्स एंड आई रियली रियली विशिंग योर डेडिकेशन। एज वी ऑल नो टुडे इज द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना पेंडेमिक, we all are locked in our houses, everything is shut down, like their temples, schools, education studios and everything, and as this point of to our teachers and online classes are playing a very very important role for our, so today I am going to speaking to you about this online important topic, and this topic is also important to understanding because some people are favor of this and some are not. I will just end some a question, these schools will not provide this online classes, how would we students study, and if we will not study, how could we reach our goal? We all are engaged to this online learning, why,
According to me, online classes are fix of studios of traditional classes at this point of time because they have no other options either than this. So we know that many instructions are stand with still during this lockdown, but are very, very thanks to our teachers. They are really hardworking. They are really current state. When we go to current state, the livelihood here, their job security, where work is double. They are really hardworking. They are really trying to make this negative situation in this corona pandemic into positive situation by giving us exhaustive activity and engaging us to make the popularities explanation and many more status. So at last, I will just like to say that respect teachers and online classes are the only way to keep us learning, that no other way. So stay home, stay safe. Thank you. थैंक यू सोनू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी मेहनत और हमारी जो टीम की जो मेहनत है सर, ये हमारी बहुत ही होनहार स्टूडेंट रही है इस अपने स्कूल की, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इसको। जी सर। सर, YouTube पर जो जनरल लाइव क्लासेज चलती है, उनसे आप अपनी जो अपनी KCS परिवार की जो लाइव क्लासेज है वो कितनी अलग है? सर टोटली डिफरेंट है। कैसे सर? जो YouTube के द्वारा लाइव क्लासेस कुछ स्कूल्स दे रहे हैं, उसके अंदर बच्चे के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, बच्चे की बहुत सारी डाउट्स होती है वो क्लियर नहीं हो पाती है, बच्चा टीचर्स के साथ रूबरू नहीं हो पाता है, बस वो एक तरह से एक फिल्म की तरह उस वीडियो को देखता है और जो कुछ उसके समझ में आता है उस हिसाब से कर पाता है। लेकिन जो केसेस का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बच्चा कम्प्लीटली टीचर्स से कनेक्ट रहता है, वो रूबरू रहता है और उसके साथ में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेता है। तो आई थिंक ये तो बहुत फार बेटर है। और मैं नहीं समझता कि अभी जो KCS का प्लेटफॉर्म है वो ऑफलाइन क्लासेस से कहीं कम है। आई थिंक उससे मेरे को तो फीडबैक ये मिले हैं कि सर हम लोग ऑफलाइन जो पढ़ रहे थे ऑफलाइन से भी ये बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आज हम लोगों को मिल रहा है। आई थिंक ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। राइट सर। सर ये आगे कब तक, मतलब केवल कोरोना अभी काल है तब तक या इससे आगे भी सर? जी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ सर आपको कि हम लोगों ने 2019 के अंदर नवंबर में इसकी तैयारी की थी। अच्छा सर। जी। हाँ। तो ये कोरोना का तो कोई हम लोगों को उस समय आइडिया नहीं था कि आगे कोरोना आएगा और इस तरह की हम लोगों की जरूरत मतलब पड़ेगी। नवंबर से ही? जी सर। जी सर, हमारे केसेस का एक विजन था सर। ये सर, कि जो फार दूर जो हमसे बैठे हैं बच्चे, गांव में दूर दराज के इलाकों में जहां बच्चे बैठे हैं, जहां संसाधनों की कमी है, जहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो केसेस का विजन था कि उन बच्चों को बहुत ही कम कीमत के अंदर एक शानदार वाली एजुकेशन हमारा देने का मिशन था। और उस मिशन को लेकर के हमने तैयारी 2019 में नवंबर में ही कर ली थी और जनवरी आते आते हमने इसको ग्राउंड पर उतार दिया था सर। बहुत अच्छी बात जी। सर एक और हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनका व्यू ले लेते हैं, तब तक मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर। जी। क्या क्या परेशानियाँ और संघर्ष है उसका सामना आपको करना पड़ा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू करने में, क्या क्या परेशानियाँ आपको? सर जीवन संघर्ष ही है। आई थिंक बिना संघर्ष के तो कुछ होता नहीं है। जब तक जीवन है, मेरे जीवन का एक ध्येय वाक्य रहा हमेशा कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ में संघर्ष है, और संघर्ष यदि नहीं है तो आप शायद जिंदा वो जिंदगी का आपको आनंद भी नहीं आएगा। तो जितना मजबूती के साथ अपन संघर्ष करके खड़ा करें। अब कैसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी हम बात करें तो इसके अंदर भी हम लोगों ने बहुत कुछ संघर्ष देखना पड़ा इसके अंदर, और अनवरत हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। लाइव क्लासेस का जो हमारा पोर्शन था वो कोरोना से पहले पूरा नहीं हो सका और उसके अंदर कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ सामान छूट गए थे, हम लोगों को वो मिल नहीं पाया। तो सर इस कोरोना काल में हम सरकार से परमिशन लेकर के पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमने जहाँ ज़रूरत पड़ी जा करके फिजिकल, जहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट से मिल सकता था वहाँ ट्रांसपोर्ट से मंगाया, जहाँ से हमें फिजिकल जा करके लाना पड़ा वहाँ से हम फिजिकल जा करके लाए। तो सर कोरोना से भी लड़ते हुए अपने आप को बचाते हुए हमारे बच्चों के लिए हमने इसके लिए दिन रात कभी गिना नहीं, और ये संघर्ष हमारा अनवरत जारी रहेगा सर। आई थिंक बच्ची हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी है। जी सर। उसके व्यू लेना चाहेंगे सर। जी जी बिल्कुल, क्या कहती है बच्ची? जी बिल्कुल सर। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनू चौधरी फ्रॉम 12th क्लास फ्रॉम कल्पना चावला इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुचेरा।
We all know today the whole world is facing a serious endemic naming COVID-19, that is coronavirus. During this period, the students are unable to attend the classes due to implementation of lockdown order issued by the central government. We are not preferred to attend the classes and study well. But the management of my school has decided to run the online classes, which is admirable and beneficial for the students who may enjoy the distance education by the teacher of their own school. I am very thankful to my school staff, especially Mr. Kirparamji sir, Rajendraji sir, and all teachers whose contribution is able to be appreciated. It is necessary that in this period the students may not be panicked. I again thanks to whole KCIS family, JKCIS, J Mission 90+. Thank you. JKCIS बेटा, JKCIS सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए. और ये सोनू भी बहुत होनहार बच्ची है, इसने 10th क्लास के अंदर 94% मार्क्स अर्जित किए थे. तो ये रेगुलर हमारी क्लासेस जो है डिजिटल क्लास है उसके साथ में जुड़ी रहती है और बिल्कुल पूरा इसका जो फ़ायदा है वो ले रही है. अच्छा सर, सर अपना जो मिशन है, विजन है, वो केवल जैसे केसीएस अपना जो जायल सर्किल है, कुचेरा सर्किल है, वहाँ तक सीमित है या आगे भी कहीं आप इसको? हाँ देखिए सर, ऐसा है कि इसके अंदर हमने दो तरह की जो सुविधाएँ हैं वो हमने शुरू की है. अच्छा सर, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो जहाँ हमारी ब्रांचेज है वहाँ हम लोग रेगुलरली उन बच्चों के लिए अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं दे रहे हैं. इसके अलावा हम लोगों ने इसका दायरा बढ़ा दिया है. इस लॉकडाउन के बाद में जब हमारे पास में सारे संसाधन उपलब्ध हो गए थे तो हम लोगों ने ये सोचा था कि क्यों ने जो बच्चे हमसे दूर बैठे हैं ऑल ओवर इंडिया में या जहाँ कहीं राजस्थान तक पूरा हमने इसका व्यवस्था कर दी है. अच्छा सर, तो हमने आउटर्स के लिए अलग से व्यवस्था की है और जो हमारे बच्चे रेगुलर है उनके लिए हमने अलग व्यवस्था की है. पूरे भारत में मैं तो ये इवन कहूँगा कि विश्व में भी यदि हमारे क्लासेस कोई बच्चा लेना चाहता है जी सर, तो उसका स्वागत है और हम लोग जितनी मदद कर सके उसकी हम करने के लिए तैयार हैं सर. जी सर जी, ये हमारे डैशबोर्ड के सामने जो लिखा है जी, आप है जहाँ केसीआईएस है वहाँ. हाँ, इसका मकसद यही है. हमारे आउटर्स स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्लोगन लाइन दी थी. अच्छा, ये इसके लिए? जी, जो बच्चे हमारे से फिजिकली अटैच नहीं हो पा रहे हैं राइट, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया. तो वर्ल्ड में बच्चा कहीं पर भी बैठा है वो हमें एसेस कर सकता है. जो हमारा बच्चा यहाँ स्कूल में आकर के पढ़ता है, जो चीज़ें पढ़ता है, जो फैसिलिटी उस बच्चे को मिलती है, वो सारी फैसिलिटी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी वो बच्चा वहाँ बैठा है उसके घर हम पहुँचा देंगे. इसीलिए हमने ये टैग लाइन रखी थी. अच्छा सर, कि आप हो जहाँ कैसे वहाँ, लर्निंग नेवर स्टॉप. सर जैसा कि पता है कल आपने ये ऐप लॉन्च की थी, आपका जन्मदिन था जी, जी. तो मुझे लगता है कि ये बच्चों को गिफ्ट है एक. हाँ जी, इस परिवार की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये हमारे जन्मदिन के ऊपर हम लोगों ने आउटर्स स्टूडेंट के लिए ये फैसिलिटी, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो हमने 10 जून से ये सारा सब कुछ देना शुरू कर दिया था, लेकिन जो आउटर स्टूडेंट है उन आउटर्स स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने मेरे जन्मदिन के ऊपर ये इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आउटर स्टूडेंट्स के लिए हमने इसका 15 तारीख को इसका जो नींव है वो हमने रखी थी, इसका बीजारोपण कर दिया है. अब कैसे इस वो प्लेटफॉर्म है जो पूरी विश्व के अंदर किसी भी जगह पे वो बच्चा यदि इसकी सुविधाओं का आनंद लेना चाहे तो वो ले सकता है और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट में उनको मिलेगी. हमने इसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया रखे हैं. अच्छा सर, हाँ जी, तो इस पे हम आगे बात करेंगे. तब तक हमारे साथ तनीषा चौधरी जुड़ चुकी है, उनका व्यू ले लेते हैं सर. आइए देखिए सर, तनीषा चौधरी. Hi, my name is Tanisha Chaudhary and I am a member of KCS Parivar and a student of class 10th. First of all, I would request to all the students who are not attending the online classes. There has been a big loss in our studies due to COVID-19 and we can fulfill that loss by studying online. So please join as fast as you can. So today I am here to share my online classes experience. So the online classes are very good for all the students because we can ask our doubts and study and it makes us feel like we are sitting in the class. I would like to thank all the staff members
who give us the environment where we are not only just allowed it to pass or success, but also allowed it to fail. Because when we fail, we work hard and then we success. And that success matters most to us. So thank you for caring for your student, and thank you for giving this special gift of online classes for us. I am very glad that I am a student of KCS. And I am really happy that you have started these online classes for us. In online classes, we feel like we are in the class, we are attending the class, and the teacher is in front of us. We can ask doubts, we can raise hand, we can say any questions. There is no difference between online classes and normal offline classes. Very good. Thank you, Tanisha. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए. तनिषा ने मैसेज दिया है बाकी स्टूडेंट्स को भी कि आप जल्दी से, जो लोग अभी नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो जल्दी से हो जाए और इसका फायदा उठाए. बिल्कुल सही बात है तनिषा, बहुत बहुत धन्यवाद. हम लोग बात कर रहे थे सर अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लॉन्च कर रहे हो, करने जा रहे हैं, उसके बारे में, उसकी प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे सर. प्राइस सर, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो हमारे साथ में जो हमेशा से बने हुए उनकी वही प्राइस है. उसमें कुछ क्राइटेरिया था, वो जारी रहेगा. और जो आउटर स्टूडेंट्स है, जो हमारे से सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सर बिल्कुल ना के बराबर प्राइस है. इसमें कुछ नहीं है, अलग अलग क्लासेस के हिसाब से हमने 2 से 2500 रुपए का मात्र एक छोटा सा मात्र 2 से. हाँ, ये हम लोग एक्चुअली रखना ही नहीं चाह रहे थे, बट ये हम चाहते हैं कि भी बच्चे को कुछ, वो अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहे. तो जो हमारा इसमें जो मेन मोटिव है सर, वो हम चाहते हैं कि बच्चों की इस कोरोना काल में मदद करें और उनकी स्टडी को बस, मतलब जो है वो अपनी स्टडी घर बैठे अपने जारी रखे, अनवरत जारी रहने. हमारा इसमें एक स्लोगन और भी है, लर्निंग नेवर स्टॉप. तो किसी भी बच्चे की जो पढ़ाई है वो किसी दृष्टि से बाधित नहीं होनी चाहिए. और इसके अंदर भी हमने कुछ क्राइटेरिया और रखा है, जो हमारे शहीदों के बच्चे हैं. हाँ, वो बच्चे चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कैसे भी है, हमारे कोई से भी प्लेटफॉर्म से आकर के जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल मुफ्त हमारी एजुकेशन है सर. किसी भी प्रकार से हम उनका कोई चार्ज नहीं लेते हैं. ऐसे बच्चे जिनके फादर नहीं है सर, और उनकी मदर है, वो कहीं मेहनत मजदूर करके उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपना बच्चा कोई भी है ऐसा, वो अपना भविष्य संवारना चाहता है, उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल निःशुल्क है. उनको भी हम कोई उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं. जी सर. और बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए एक क्राइटेरिया और रखा हमने इसके आगे बढ़ करके. जी सर. कि ऐसे बच्चे जिनमें बहुत टैलेंट है, आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में धन नहीं है सर, तो वो धन अभाव की वजह से अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. तो ऐसे कुछ बच्चों के लिए उसमें एक फिक्स क्राइटेरिया हमने कर रखा है. ऐसे बच्चों को भी केसीएस हर साल 10 बच्चों को गोद लेती है. जी सर. ऑफलाइन क्लासेस में. अच्छा, और उनको हम लोग पूरी तरह से जितनी भी हमारे पास में जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है वो उन बच्चों के लिए निःशुल्क रहता है. अब ये हमने ऑनलाइन का ये प्लेटफॉर्म रखा है, तो इसका हम दायरा बढ़ा देंगे. जी सर. पहले ऑफलाइन में हमारे पास में यही मिल पा रहा था, तो ऑनलाइन में जब हमने डिजिटल इस प्लेटफॉर्म की कैसेस डिजिटल क्लासेस की हमने इसकी शुरुआत कर दी है, तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इस तरह का बच्चा है और वो विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, तो कैसेस के दरवाजे उसके लिए हमेशा से खुले हैं. वो हमारी लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है, कोई भी पैसा नहीं है उसके लिए. सर मैं जानना चाहूँगा कि जुड़े कैसे बच्चे, जैसे मान लो कि कोई भी एक अपन उदाहरण ले लेते हैं, कोई मान लो सपोज करो असम का कोई बच्चा है. जी सर. वो हमारे साथ किस तरह से जुड़ पाएगा, ये थोड़ा सा आप बता दें. सिंपल है सर, इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है. अपने स्कूल की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर बच्चा आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन का पूरा प्लेटफॉर्म है. ऑनलाइन वो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और अपना फॉर्म जब भर देगा तो उसको हम यूजर आईडी पासवर्ड उसको दे देंगे. राइट सर. हाँ, और वो आराम से जुड़ सकता है, वहाँ बेटा जुड़ सकता है, उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है. सारा सब कुछ ऑनलाइन है, सिंपल स्टेप है. उसका एक छोटा सा फॉर्म आता है, कोई भी भर सकता है, बेसिक जानकारी चाहिए बच्चे की, वो फॉर्म भर सकता है और आराम से. और उसके लिए यदि वो वेबसाइट को भी चलाना नहीं जानता, तो हमने उस वेबसाइट के ऊपर अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है सर, मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है. अच्छा सर. मैं खुद डील करता हूँ उनको, तो उस व्हाट्सएप के ऊपर अपनी जो क्वेरी है वो हमें भेज सकता है और उसके थ्रू हम लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं. या हमारे पास में जो हमारी टीम है वो वेबसाइट के ऊपर एक चैट बॉक्स का भी हमने कुछ व्यवस्था कर रखी है. यदि उसके अंदर भी अपनी वो डिटेल सबमिट करता है
तो हमारे जो कंसर्निंग इसमें व्यक्ति है वो उसके डाटा लेकर के उसकी हेल्प कर सकता है। बिल्कुल सिंपल स्टेप है, कोई दुविधा बात आराम से कर सकता है। और इसके अलावा एक और तरीका हमने इसमें दिया है जी सर, जो हमारा ऐप है केसेस डिजिटल क्लासेस का, वो ऐप बच्चा डाउनलोड करे प्ले स्टोर में जा करके जी सर, और उसके अंदर सिंपल है कि उसके जब डाउनलोड करेगा तो उसके अंदर एक सिंपल सा एक यूजर नेम पासवर्ड का कुछ होगा, उसमें वो बच्चा खुद अपना यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर लेगा और उसके बाद में अपनी डिटेल भर करके जैसे ही वो पूरा करेगा उस प्रक्रिया को जी, तो उसकी डिटेल हमारे पास पहुंच जाएगी। और यदि कोई भी कोर्स खरीदना चाहता है जी सर, तो वो खरीद सकता है। कोर्स में भी हम लोगों ने बहुत वेराइटी रखी है जी सर। अब सपोज करो कि 10वीं क्लास का बच्चा है और उसके 6 सब्जेक्ट है जी सर। अब मान लीजिए बच्चे को चाह रहा कि वो एक ही सब्जेक्ट साइंस ही पढ़ना चाहता है। अच्छा, हमारे साथ एक सब्जेक्ट की फैसिलिटी है जी, एक सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे तो एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, दो पढ़ना चाहे तो दो पढ़ा सकते हैं, पांच पढ़ना चाहे तो पांच पढ़ा सकते हैं, मतलब बच्चे की चॉइस। ये बहुत अच्छी बात बताई सर। एक्चुअली क्या होता है, और इसके अंदर भी प्राइस एक सब्जेक्ट के हिसाब से ले रहे हैं उससे। अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि हमने उसको 6 सब्जेक्ट का ऐसे नहीं दिया तो 6 सब्जेक्ट की पूरी प्राइस, मतलब पैकेज थोप नहीं रहे हम। नहीं थोप नहीं, बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्रता दे रहे हैं। बहुत अच्छी पूरी तरह से बच्चा स्वतंत्र है, उसको जितनी नीड है ये सर, जो चीज की मदद हमसे चाहता है हम उसके लिए तैयार है। जैसे अगर वो मान लो मैथ्स में कमजोर है तो केवल मैथ्स, हाँ केवल मैथ्स का ले सकता है। केवल उसका इंग्लिश की जरूरत है वो इंग्लिश का ले सकता है, बाकी इसकी उसको जरूरत नहीं। तो जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रहा है जी सर, वो उस स्कूल में पढ़े जी सर। लेकिन जो हमसे चाहता है वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जिस सब्जेक्ट की मदद चाहता है केसीएस उसकी उस सब्जेक्ट में मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है सर, और उसके अंदर भी दो चीजें हैं सर जी सर, वो रिकॉर्डेड वीडियो भी ले सकता है, हमारी लाइव क्लासेस भी ले सकता है जी सर। दोनों के ऑप्शन रहेंगे, वो भी अलग अलग है। वो चाहे तो लाइव क्लासेस अटेंड कर सकता है, वो चाहे तो केवल रिकॉर्डेड कोर्स ले सकता है जी सर। और उसके अंदर सारा सब कुछ मिलेगा उसको जी सर, ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका, ऑनलाइन उसकी मोटिवेशन मिलेगी। हम लोग मोटिवेशन के लिए भी पूरी तरह से बच्चों को चार्ज करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी को बूस्ट करके और बढ़िया तरीके से अपना करियर बना सके। तो मोटिवेशन क्लासें भी मिलेगी, केवल वो सिर्फ फ्री मोटिवेशन क्लासें उनके लिए फ्री है जी सर। यदि मान लीजिए कोई बच्चा है, केवल उसने अपना ऐप डाउनलोड कर लिया जी सर, उसने हमारा कुछ भी नहीं खरीदा जी सर, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, ऐसे बच्चों के लिए भी हमने मदद की है जी सर। उसको हम बहुत सारे वीडियोस जो है वो फ्री देंगे जी सर। तो यदि उसके फ्री वाले वीडियो से मदद हो रहा है तो केवल अपना ऐप डाउनलोड करके भी रख सकता है। अच्छा सर। लेकिन उसके अंदर जो मोटिवेशन क्लासेस मिलेगी हमारी जी सर, वो बिल्कुल उसको निःशुल्क लाइव क्लासेस मिलेगी जी सर। ये उन बच्चों के लिए एडिशनल फैसिलिटीज है सर। अच्छा, हाँ जी सर। सर हम चर्चा को जारी रखेंगे, एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गई है जी। सिद्धिका पारिक हमें कुछ कहना चाहती है, आइए सर जानते हैं जी सिद्धिका क्या कह रही है। माई सेल्फ शितिका पारिक फ्रॉम क्लास 10 कल्पना चावला स्कूल जाए। एज वी ऑल नो दैट ड्यू टू कोविड-19 वी ऑल आर एट होम, एवरीथिंग इज क्लोज्ड एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। थैंक यू केसीआईआर टीम फॉर रन माय ऑनलाइन क्लास फॉर आवर टीचर। आई थैंक यू बीइंग अ सच अमेजिंग टीचर एंड थैंक फॉर योर ग्रेट लेसंस। यू आर अमेज्ड एंड इम्प्रेस मी डेली एंड आई थैंकफुल बिकॉज यू teacher give me the tools I need to face my future. Thank you J-Mission 90 plus. थैंक यू तनिषा। जय मिशन 90 प्लस बेटा, जय केसीएस, जय मिशन 90 प्लस, जय केसीएस। हमारे देखो बच्चे के रग रग में हमारा मिशन चलता है, ये केसीएस के बच्चे के अंदर मिलता है सर। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ मिशन 90 प्लस, हाँ ये क्या है सर? ये एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए एक मिशन है सर जी सर, जिसके अंदर हमारे पूरी जो कोई भी टीम है, टीम का मेंबर है, चाहे वो हमारा बच्चा है या कोई भी है, चाहे इवन हमारा स्वीपर जो साफ सफाई करने, वो भी हमारा एक मिशन लेकर चलता है जी सर। हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी एकेडमिक रूप से उसकी हाइट को जबरदस्त लेके चले जी सर। अपनी एनुअल एग्जाम के अंदर, चाहे वो बच्चा बोर्ड का हो चाहे बच्चा बोर्ड का नहीं हो, हमारा नर्सरी वाला बच्चा मिशन 90 प्लस बोलता है। अच्छा सर। तो वो चाहता है कि मैं अभी से ऐसी फाउंडेशन तैयार करूं कि मेरा स्कोर जो है वो 100% है, यानी उसकी जो स्टडी है हम उसकी 100% स्टडी को पहले से ही मेजर करके चलते हैं। ये हमारा हर एक बच्चे का मिशन है, हमारी सबके पूरी टीम का मिशन है, हमारी पूरी संस्थान का मिशन है। अच्छा हाँ, परफेक्शन चाहते हैं, दुनिया से फार बेटर होना चाहते हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, बच्चों में लीडरशिप डेवलप करना चाहते हैं, ये हमारा मिशन है सर जी। सर हमारे साथ एक और
स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जी जी सिद्धि है जी। देखते हैं सिद्धि के क्या विचार है सिद्धि हाँ। अपने विचार सिद्धि हमारी बहुत ही होनार स्टूडेंट है सर जी सर और बहुत मेहनती है जी सर तो मॉर्निंग एवरीवन आई एम सिद्धि सिंह फ्रॉम क्लास 8 कल्पना चावला इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैल एवरीवन नो अबाउट कोविड 19 वी आर ऑल इन होम स्कूल्स एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड सिंस वी कैनॉट अटेंड एनी क्लासेस कल्पना चावला स्कूल लॉन्च्ड एन ऑनलाइन क्लासेस फॉर अस द वे आर टीचर आर एक्सप्लेनिंग अ टीचिंग क्लासेस इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट आई लर्न एवरीथिंग एंड कंटिन्यू माई क्लासेस विच वर स्टॉप्ड ड्यू टू कोरोना वायरस आई वुड लाइक टू थैंक्स आर रेस्पेक्टेड CMD कृपाराम जी सर MD राजेंद्र जी सर एंड टू ऑल टीचर्स ऑफ आर स्कूल to provide this necessary online classes. Learning never stop. Stay home, stay safe. Jai KCS Parivar Mission 90+. Jai Mission 90+. Jai KCS. Jai KCS, beta. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. Thank you so much. ये जो KCS क्विज कंपटीशन या क्विज शो लाइव जो चल रहा है वो क्या इस मिशन 90+ का ही हिस्सा है क्या है जी बिल्कुल मिशन 90+ का हिस्सा एक्चुअली क्या होता था सर कि हमारी जब ऑफलाइन क्लासेस चलती थी जी सर तो उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे मतलब बच्चों को संवारने के लिए सजाने के लिए उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी कराते थे जी सर तो एक्चुअली अब बच्चे तो घर पे बैठे हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हम लोगों ने एक क्रिएटिव आइडिया लेकर के सोचा था कि बच्चों की प्रतिभा को और उनके लिए उनकी एक्टिविटी को किस तरह से अपन आगे बढ़ा सकते हैं जी सर तो उसी श्रृंखला को हमने सोचते हुए एक कैसे लाइव क्विज शो हमने इसका जो है वो शुरुआत की जी सर इसके अंदर क्लास 5 से लेकर के 12 तक का कोई भी बच्चा भाग ले सकता है कोई शुल्क नहीं है अच्छा सर इसके अंदर एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये केवल अपने बच्चों के लिए नहीं है कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का चाहे वो हिंदी मीडियम का हो इंग्लिश मीडियम का हो कहीं पर भी पढ़ रहा हो कैसी स्थिति में पढ़ रहा हो हमारे साथ एडमिशन लेगा कि नहीं लेगा कुछ भी उसके लिए फाउंडेशन नहीं है कोई फोर्स नहीं है हर बच्चे का प्लेटफॉर्म है ये एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जी सर और इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी बच्चा यदि वो प्रतिभा अपनी अपनी जो प्रतिभा है वो दुनिया के सामने लाना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ला सकता है ये सारा सब कुछ लाइव चलता है सर जी सर जी सर इससे जुड़ने का क्या तरीका रहेगा सिंपल तरीका है सर इसके अंदर हमारी वेबसाइट के ऊपर केसेस क्विज शो नाम से एक आइकन है अच्छा सर हाँ तो उसमें जाकर के अपना एक सिंपल फॉर्म है वो फॉर्म जैसे ही भरेगा बच्चा वो फॉर्म हमारे पास पहुंच जाएगा और उसको नियत समय पर जैसे ही रहेगा हम उसको कॉल करेंगे और बुला लेंगे अपने जी सर, सर इसको भी अगर आप व्हाट्सएप से कर देते क्या व्हाट्सएप हाँ, व्हाट्सएप पर भी वो बच्चा हमसे अपनी डिटेल भेज करके अच्छा सर, वो हमसे जुड़ सकता है बिल्कुल जुड़ सकता है कॉल करके भी यदि उसको ये भी चीजें समझ में नहीं आ रही है उसके पास व्हाट्सएप वाला फोन नहीं है तो वो हमें सिर्फ फोन करके भी बता सकता है कि मैं इस क्लास का हूँ मेरा ये डाटा है और मैं इस लाइव क्विज शो में भाग लेना चाहता हूँ वो हमसे ले सकता है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कोई शुल्क नहीं है जी सर हमारा मोटिव ये है कि कोई भी बच्चा है चाहे वो कहीं से भी किसी जगह का है वो सर। बच्चा है सर हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए ये हमारी दिल की तमन्ना है जी सर जरूर सर एक और बच्चा हमारे साथ स्टूडेंट है सरोज हमारे साथ जुड़ चुकी है सरोज का व्यू देख लेते हैं सर सरोज क्या कह रही है हमारे जी 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 सरोज हमारी बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्मठ बच्ची है सर जी सर बहुत मेहनत करती है और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा होता है कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल जाए एवरीवन अबाउट कोविड 19 वी ऑल आर स्टे एट होम एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड सिंस वी कैन नॉट अटेंड एनी क्लासेस सो कल्पना चावला स्कूल लॉन्च्ड ऑनलाइन क्लासेस विद जून एक्स द टीचर्स एक्सप्लेनिंग टीचिंग क्लासेस वेरी यूनिक यू एंड डिफरेंट इट इज ए गुड गिफ्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स टू टीचिंग online classes it is many benefit to virtual classes I am also one participant of KCS school zoom app I am thanks to CMD Kriparam ji sir MD Rajendra ji sir and all teachers to provide online classes by zoom app thank you stay home stay safe JK thank you saroj saroj ke dada ji hamare bahut hi priya mitra bhi hain acha sir aur kaise is parivar ke liye वो बहुत बड़े एक आधार स्तंभ है जी सर हम उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं बहुत बहुत नमस्कार करते हैं जी सर अभिभावक किस तरह से इसमें योगदान कर रहे हैं अभिभावक साथ दे रहे हैं
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे? अभिभावकों का जैसे जैसे क्या कि सर ये प्लेटफॉर्म नया है जी सर, तो आई थिंक थोड़ी सी जागरूकता में कमी है जी सर। हमारी टीम उनके साथ लगी रहती है, उनकी मदद करने के लिए हमारे पास में पूरी जो टीम है बैक एंड पे वो उनकी मदद करती है। और जैसे जैसे उनको समझ आ रहा है, जो जो बच्चे हमसे जुड़ पा रहे हैं, तो आई थिंक पेरेंट्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। पेरेंट्स का शुरुआत से भी मुझे बहुत सहयोग मिला, आज भी हमें उनका उतना ही प्यार और सहयोग मिलता है। तो मैं सभी अभिभावकों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह से बना रहे और इस मिशन को जो हम बच्चों के लिए लेके चल रहे हैं उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है जी सर। तो उनकी जितनी भी सहयोग है वो हम उनसे अपेक्षा रखते हैं जी, और आज तक हमें उनकी अपेक्षाओं पर हम लोग भी खड़े उतरे हैं और हमें हमारे अभिभावकों ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया सर जी सर। तो सभी अभिभावकों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ऐसा देखा है हमने कि कई ऐसे अभी इस कोरोना काल में कईयों की ऐसी थिंकिंग है, मेरा मानना है ऐसा, वो लोग सोचते हैं कि स्कूल अभी चल नहीं रहे हैं, स्टार्ट नहीं हुए हैं, सरकार ने स्टार्ट नहीं किए हैं जी, फिर भी आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, क्या सोचकर सर ये किया जी? देखिए ऐसा है सर कि सरकार तो स्टडी कराना चाहती है जी सर, बट सिचुएशन ऐसी है कि कर नहीं पा रही है वो जी सर। सरकार ने कभी ये मना नहीं किया कि आप पढ़ाना बंद कर दो जी सर, सरकार ये कह रही है कि बच्चे के लिए जो सुरक्षा है वो प्रथम है जी सर। तो हम लोगों ने सरकार की जो भी गाइडलाइन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चाहे वो अपने निदेशालय बीकानेर की है या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है, तो हमने पूरी गाइडलाइन को फॉलो किया है जी सर। गाइडलाइन के अनुसार जो पीरियड होने चाहिए वो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के होने चाहिए, हमारे सारे पीरियड जो है वो 30 से 40 मिनट के होते हैं जी सर। और सरकार ने ये भी कहा, बाल संरक्षण आयोग ने भी ये कहा था कि 30 मिनट का एक पीरियड होने के बाद में बच्चे को ब्रेक मिलना चाहिए 15 मिनट का, तो हमने उसको बस्तूर बिल्कुल फॉलो किया है। हमारे हर एक पीरियड के बाद में 15 मिनट का बच्चे को ब्रेक मिलता है और उसके बाद में उसकी क्लासेस चलती है। तो सरकार तो कह रही है कि भाई यदि आप पढ़ा सकते हो, सक्षम हो, तो बिल्कुल आप पढ़ाना चाहिए। और ये एक टीचर होने के नाते हमारा दायित्व भी है कि 5 महीने से बच्चे जो घरों में बैठे हैं और उनकी स्टडी जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जितनी हम लोग मदद कर सकते हैं उन बच्चों की तो हमें करनी चाहिए, हमारा नैतिक फर्ज भी है। और सरकार भी शायद इसके अंदर बहुत कुछ सहयोग के लिए तैयार भी है, सरकार ने भी 29-30 चैनल जो है टीवी के माध्यम से वो कुछ प्रयास कर रही देने का जी सर। तो हालांकि सरकार के ऊपर पूरे राज्य का या पूरे देश का जिम्मा है, तो हमारे पास में हम सरकार का जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं इस मिशन को पूरा करने में उतना हम करना चाहते हैं। तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर। हमारे साथ सरिता विश्नोई हैं, विश्नोई क्या कहना चाहती है, उनका व्यू ले लेते हैं। जी जी जी, सरिता विश्नोई बहुत ही होनहार हमारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मेहनती बच्ची है साहब, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भरपूर ये उपयोग करती है, तो बिल्कुल हम लोग सुनना चाहेंगे कि उसके भी विचार जो है उसके। The way teacher explain in teaching is very unique and different. I learn everything, continue my classes. Due to stop by coronavirus, I would like to respect CMD Hiparam ji sir, MD Rajendra ji sir. बहुत बहुत धन्यवाद सरिता हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। जी सर, आपको बायोग्राफी पढ़ने का काफी शौक है। जी 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 बिल्कुल, ये वैसे अपना इंटरव्यू तो था डिजिटल पैनल से रिलेटेड, पर मैं जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है और उनसे क्या कुछ। सर पढ़ने का बचपन से मुझे बहुत शौक था जी सर, और मजा आता था पढ़ने में जी सर। तो पहले तो हम इस जो हमारा सिलेबस होता था उसको हम रगड़ रगड़ के पढ़ते थे जी सर। हमें सौभाग्य से अच्छे गुरु मिले, शुरू से अच्छी गाइडलाइन मिली जी सर, तो ये चीजें करते थे। बाद में क्या हुआ कि अंदर से पता नहीं कोई भगवान का आशीर्वाद था या ऐसा कुछ था जी सर, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आपको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए जी सर। तो मैंने सभी महान व्यक्तित्व, चाहे वो विश्व के काय का भी हो, उसको मैंने सबकी उसकी लाइफ की स्टडी को किया, मैंने उसको पढ़ा जी सर, सबको पढ़ा और सबसे हमने बहुत कुछ सीखा सर जी सर। महात्मा गांधी से हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई आपको कोई कार्य करना है जी सर, तो आपको अकेले चलना होगा जी सर। महात्मा गांधी से मैंने ये भी सीखा था
कि आप अहिंसा और सच्चाई के ऊपर चल करके दुनिया बदल सकते हो। ये मैंने महात्मा गांधी से सीखा था सर। जी सर। दृढ़ निश्चय हिटलर से सीखा था। जी सर। कि आप दृढ़ निश्चय के धनी हो और आपने टीम को यदि बढ़िया तरीके से संवार सकते हो, मजबूती के साथ संवार सकते हो, तो आप विश्व विजेता भी बन सकते हो। ये सिकंदर से सीखा था हमने। जी सर। तो मतलब बायोग्राफी तो एक इंस्पिरेशन है। हमारे जो सबसे लाडले देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं, हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी सर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो आई थिंक मैं तो सभी बच्चों से या सब जो हमारे दर्शक हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि जो भी महान व्यक्तित्व है उनके आपको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए और उनसे बहुत ये सर एक जिंदगी के रियल इंस्पिरेशन है। जी सर। उसमें आपको एक जीवन का दर्शन मिलता है, एक खोज मिलती है कि आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। जी सर। तो बायोग्राफी आई थिंक मेरे लिए, मेरा तो एक शौक रहा है। अब थोड़ा पढ़ने का टाइम कम मिलता है तो हम लोग थोड़ा डिजिटल पे जो भी हमें विचार मिलते हैं हम उनको पढ़ते रहते हैं। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सर एक खुराक मान लो, एक इंस्पिरेशन मान लो। जी सर। और हमें तो ये हमारे तो मोटिवेटर गुरु ही यही है। जी सर। जी हमारे साथ साक्षी राठौड़ जुड़ चुकी है। साक्षी राठौड़ के व्यूज क्या है वो देखिए। हाय, आई एम साक्षी राठौड़ फ्रॉम क्लास 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू माय इंस्टीट्यूट केसीएस जैन फॉर आवर ऑनलाइन क्लासेस। This is the precious gift for us, and the best lesson are not learned from book but from the heart of truly great teachers like you. I am so grateful for the important school life lesson you taught me. Thank you for caring about my future. You are the leader of today's young minds and tomorrow's bright future. Thank you. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। Thank you. Thank you साक्षी। आपने हमें बहुत कुछ बताई। शायद हमारी ये जो टीम मेहनत कर रही है उसके बारे में साक्षी ने बहुत कुछ कहा, तो साक्षी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने साथ बने रहने के लिए, उसका अपना कीमती समय देने के लिए। जी सर। जी सर। सर चर्चा को जारी करते रखते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आज के इस युग में जी नैतिक मूल्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो नैतिक मूल्यों के लिए भी लाइव क्लासेज में कोई और कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि युग बदल रहा है, डिजिटल युग आ रहा है, तो कुछ अपने जो देश के मौलिक विचार थे उनमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि आई है। शायद वो पाश्चात्यकरण का प्रभाव हो सकता है या कुछ और हो सकता है। जी सर। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे जो संस्कार है बच्चों के। जी सर। आप ऑफलाइन हमारे बच्चों को देखोगे किसी को, तो हमारे बच्चे इतने संस्कारी है सर कि गुरु को बहुत इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, बड़ों को बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। तो आई थिंक तो बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। जी सर। हमारी जो टीम है सर। जी सर। उनमें पढ़ाने से पहले उनमें जो संस्कार है उनकी वो पहले बात करते हैं। तो अदब, नैतिकता और कायदे, ये हम बच्चों को, ये हमारी शिक्षा का एक हिस्सा है और इस हिस्से को हम लेकर के हमेशा चलेंगे, चाहे वो हमारा प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा है। आप चाहे किसी भी माध्यम से देना चाहते हो, शिक्षा वही होती है। तो नैतिकता और उसके जो संस्कार है वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उतने ही प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे जितना हमारा ऑफलाइन के बच्चे जो कर रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने पूछी मेरे को कि, और मैं अभिभावकों से इसके बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को नैतिक और संस्कारवान जितना बना सकते हो उतना आप संस्कारवान बनाएं। बच्चा आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज का एक बहुत सुयोग्य नागरिक बनेगा और आपको उसके ऊपर गर्व होगा। जी सर। हाँ जी सर। सर हमारे साथ सरस्वती चौधरी है, मैंने सुना है, जानकारी मिली है मुझे कि वो हॉकी में नेशनल खेल चुकी है। जी 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 सरस्वती चौधरी बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है सर हमारे स्कूल का, और ये कई बार नेशनल स्टेट खेल चुकी है। अच्छा। और इस बार भी ये नेशनल खेल के आई है। अच्छा। और पढ़ने में भी उतनी होशियार है सर। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि हम केवल अकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते, नॉन अकेडमिक्स स्पोर्ट्स पे भी सारा सब कुछ पैरेलल चलता है सर। जी सर। अकेडमिक्स के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड है सर, मैं आपको कभी और डिटेल में बताऊंगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, आज लंबा हो जाएगा, इसको मैं नहीं छेड़ना चाहता, बट ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। जी सर। गेम्स के बारे में सरस्वती चौधरी के व्यू हम देख लेते हैं।
I am Sarashwati Chaudhary from class 10th. Because of COVID-19, our school is closed. I am really enjoyed to telling that we are getting the opportunity to do online classes at home. We don't go to school because of COVID-19. We are not attending our class physically, but thanks to KCS Kiparami sir and all teachers for coming up to very effective solution for conducting online classes. It is great state because we don't sit idle at home and keep engaged online classes. Thanks to all KCS members to manage to provide us maximum teaching with a very limited time of period. I am thankful and grateful to KCS for doing this act. I am feeling very proud to be a student of KCS. Thank you, JKCS Mission 90+. JKCS. Thank you, JKCS, beta, JKCS. हम सरस्वती के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ये बच्ची देश का नाम रोशन करेगी खेल के क्षेत्र में और पढ़ाई के क्षेत्र में भी। हो सकता है ये देश के लिए एक मेडल लेके आए, दो लेके आए, 10 लेके आए। तो सरस्वती के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उत्तर उत्तर हमारे साथ प्रोग्रेस करते रहें, अपने और देश का नाम रोशन करते रहें। सर अभी अभी मेरे कमेंट जो हम लाइव जा रहे हैं उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग ये जो लाइव क्लासेस चला रहे हो उसमें असाइनमेंट, होमवर्क इनका क्या है? सारा सब कुछ होता है सर। देखिए लाइव क्लासेस के अंदर हम लोग बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो बच्चे को लाइव क्लासेस मिलती है जी सर। लाइव क्लासेस के साथ साथ में हमारा जो ऐप है स्कूल का उसके अंदर एक अलग से फैसिलिटी हमने डलवाई। स्कूल का अलग से ऐप है? स्कूल का पूरी तरह से ऐप है सर जी सर। हमारा आउटर स्टूडेंट के लिए भी हमारा पूरी तरह से अलग से ऐप है और हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी अलग से एक ऐप बनाया हुआ है जी सर। तो दोनों के लिए सेपरेट ऐप है, सारा सब कुछ ऐप के अंदर चलता है। तो हमारे ऐप के अंदर क्या है कि एक व्यवस्था है कि बच्चे को एक असाइनमेंट है या होमवर्क है, ऑनलाइन जो बच्चा है उसकी जो टेस्ट है, परीक्षा है, वो भी हम ऑनलाइन ही लेते हैं जी सर। और बच्चे को असाइनमेंट है, होमवर्क है, स्टडी मटेरियल जो हमारा जो फैकल्टी टीम है वो देना चाहे वो देख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ सर जी सर कि मान लीजिए किसी बच्चे का नेटवर्क नहीं था या उस दिन उसका फोन उसने साथ नहीं दिया या उसकी लाइव क्लास छूट गई। अच्छा सर। तो वो क्लासे हम रिकॉर्ड भी देते हैं, सारी अच्छा। क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलती है बच्चे को और जैसे ही उसके पास में वो संसाधन ठीक हो जाता है वो सेम क्लास जो सेम क्लास पूरी 365 दिन हमारे पोर्टल पर हमारे जो ऐप है उसके ऊपर बनी रहती है और बच्चा जब भी चाहे उसको देख सकता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते उसका कोई टेस्ट था, आपने कोई टेस्ट शेड्यूल कर दिया समझो जी सर। और आपने उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को एक महीने पहले पढ़ाया जी सर। अब बच्चे को क्विक रिवीजन चाहिए और बच्चा घर पे बैठा है जी सर। उसमें हमारे टीचर तो घर पे जाकर के उसको बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे हैं जी सर। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने उस बच्चे को सारा सारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिंगल क्लिक पे दे दिया। अच्छा सर। बच्चा उस क्लास को वापस जब चाहे रिवीजन कर सकता है, जब चाहे उसका वीडियो देख सकता है, जिस चैप्टर का देखना चाहे उस चैप्टर का देख सकता है, जिस टॉपिक का देखना चाहे उस टॉपिक का देख सकता है। सारी फैसिलिटीज हमारे उस ऐप के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारा कुछ सब कुछ मिलता है। उसमें लाइव भी मिलता है, उसमें रिकॉर्डेड भी मिलता है, उसमें असाइनमेंट भी मिलता है, उसमें बच्चे को स्टडी मटेरियल भी मिलता है और उसके अंदर उसका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, उसको होमवर्क भी वहीं से हम देते हैं। तो सारा सब कुछ भरपूर एक प्लेटफॉर्म है सर। अच्छा, एक ही छत के नीचे सारा सब कुछ मिलता है ना, वैसा सब कुछ है। मतलब कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया, वाकई में आपने डिजिटल इंडिया जो है वो डिजिटल केसीएस से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं आप। जी 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 बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की एक विजन भी थी सर जी। और आई थिंक ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमारे देश को ये कंट्रीब्यूशन है। मतलब जो ये संकट का समय है उसे आपने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जी बिल्कुल, मैं तो आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि हर संकट में एक अवसर होता है जी सर। और एक्चुअली हम संकट को नहीं देखते, हम अवसर को देखते हैं जी सर। तो संकट तो देखते तो सर आज हम लोग यहाँ होते ही नहीं जी सर। इसलिए हमने हर संकट में एक अवसर को ढूंढा है, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढा है और अपॉर्चुनिटी हर संकट में होती है और ये आई थिंक ये आप जो परिणाम है वो आप देख पा रहे हो। मोनू बानू हमारे साथ हैं जी जी, उनके व्यूज हम लेना चाहेंगे सर। मोनू बानू बहुत ही होनार बच्ची है सर जी सर, और इसके बारे में मैं आपको दो शब्द बताना चाहता हूँ। जरूर जरूर। कैसे इस परिवार ने मोनू बानू को गोद ले रखा शैक्षणिक तौर पे जी सर। ये बच्ची हमारे साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल पढ़ती है, इसकी अच्छा कोई शुल्क नहीं लेते हम लोग किसी भी प्रकार का, क्योंकि इसका एक हाथ कटा हुआ है जी सर। तो ऐसी हाँ
दिव्यांग दिव्यांग है जी सर। मैं कह रहा हूँ कि ये डिफरेंटली एबल है जी सर। और इस बच्ची के अंदर इतनी एबिलिटी है सर जी सर। ये सारा सब कुछ आप कभी इसका फिजिकल देखोगे, जब स्कूल में आएगी जब इसका परफॉर्मेंस देखोगे, ये हर एक्टिविटी में भाग लेती है, बढ़ चढ़ के भाग लेती है, इवन गेम में भाग लेती है जी सर। एक हाथ से बहुत कमाल दिखाती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग तराशते हैं तो सर सीना भी हमारा चौड़ा होता है और हमें इतनी खुशी होती है अंदर से कि ये बच्चे भी देखो कितना बढ़िया कमाल कर सकते हैं। तो सोनू बानो को बिल्कुल उसका स्वागत है। मोनू जी सर। मोनू बानो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनू बानो, आई एम फ्रॉम क्लास 7 आई स्टडी कल्पना चावला इंटरनेशनल सेकेंडरी स्कूल इन कुचेरा। माय ऑनलाइन क्लासेस आर ए कन्वीनियंस फॉर मी, दे अलाउ मी टू टेक एडिशनल क्लासेस दैट वुड नॉट हैव फिट इनटू माय शेड्यूल अदरवाइज। आई एम नॉट ए ट्रेडिशनल स्टूडेंट सो आई हैव ए नॉन ट्रेडिशनल need online classes allow me to remain at home with my family. Taking online classes has many benefits for a modern country. Online classes are the answer for many students with non-traditional need. Also, online classes save time and saving time important to me. The travel time alone, time enough for my to complete my assignment. It would take me 45 minutes to travel school from a house, and that is only one way. And at last, I am glad to thank my CMD sir, Kripalam sir, and all my hardworking teachers, respected teachers, to provide things online classes. बहुत ही बढ़िया सोनू। मोनू आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। इसने एक बहुत बढ़िया बात बताई जी सर कि ऑनलाइन क्लासेस ने तो मेरी इतनी मदद की है कि मैं आधा घंटा जब ट्रेवलिंग करती थी तो मेरा समय बच रहा है और मैं उसको पढ़ाई में लगा रही हूँ जी सर। तो आई थिंक इसके लिए बहुत बढ़िया सोनू। मोनू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जो सिस्टर्स है मोनू बहुत ही होनहार है। सोनू मोनू इनका नाम भी बड़ा कॉम्बिनेशन से इसकी पेरेंट्स ने रखा, तो दोनों ही बहुत होनार बच्चियां हैं और दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। मतलब यूं कहा जा सकता है कि एक तरह से डिजिटल से बच्चों को वैसे मदद मिली रही है और जो ईंधन है बहुत जरूरी देश के लिए ईंधन होता है वो भी अभी काफी बिल्कुल 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 ये एक तरह से हम लोग इनडायरेक्टली अपने देश की जो इकोनॉमी है उसमें सहयोग कर रहे हैं। अपने देश में जो ईंधन है उसका बच रहा है और ये ईंधन आई थिंक अपन को फॉरेन से इंपोर्ट करना पड़ता है जी सर। तो अपनी जो देश की मुद्रा है वो बचने में भी हम काफ़ी योगदान हो रहा है। एक पोल्यूशन जो क्रिएट होता है तो ये पर्यावरण को भी बहुत बढ़िया फायदा है, बच्चे को भी फायदा है। तो आई थिंक ये बच्चे के लिए काफ़ी कारगर चीज़ है जी सर। जी सर, डिजिटल जो स्टूडियो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है जी, और मैं ये कह सकता हूँ कि केसीआई परिवार स्टूडेंट फ्रेंडली है जी। स्टूडेंट्स के और भी बहुत सारे अपने साथ व्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने अपने व्यूज रखना चाह रहे हैं जी, जी जी। तो मैं सर हाँ सबका ले, सबका स्वागत है, एक एक करके सबका अपन सुनना चाहते हैं आज जी, जी, जो भी बच्चा जी, है कोई अपन को बच्चे के लिए जब काम कर रहे हैं जी सर, तो उनका बिल्कुल सबका स्वागत है। उनका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ही एक्चुअली बच्चों का है जी सर। हम तो बस उनका एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है, उसके तौर पर हम काम करते हैं जी सर। तो बच्चों का सबका स्वागत है सर। हाँ, मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे जो कैसे इस क्विज के बारे में आप जो बता रहे थे जी, तो कोई भी उसमें जुड़ सकता है, कोई भी, कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब लाइव अगर आप चैनल, ये बच्चे का प्लेटफॉर्म है, बच्चा कहीं का भी किसी भी स्थिति का किसी भी जगह का कैसा भी मीडियम से हमारे साथ में आ सकता है, ये उनका प्लेटफॉर्म है। कैसे इसका तो एक नाम है जी सर, एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है सर, प्रतिभाओं के लिए, प्रतिभाओं का प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आप बिल्कुल जी सर, जी सर, तो ये प्लेटफॉर्म प्रतिभाओं के लिए है। हाँ। सब प्रतिभाओं का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, हमारे इस डिजिटल स्टूडियो में उसका स्वागत है जी सर। एकता पारिक। हाँ, एकता पारिक को बिल्कुल, due to COVID-19 we are not attending classes physically, but thanks to KCIS Kriparam ji sir, Rajendra ji sir and all my teachers for coming up very effective solution of conducting online classes.
It is great step because we don't have to sit idle at home and keep engaged by online classes. Thanks to our skilled faculty members of KCIS who managed to provide us with a maximum teaching with a very limited period of time. So I am very grateful and thankful to KCIS for doing this act, and I am feeling very proud to be a student of KCIS. Thank you all teachers and JKCIS. थैंक यू बेटा जय केसीएस। ये बहुत ही होनहार बालिका है हमारे स्कूल की। और भी कोई बच्चे हमारे साथ में अपना शेयर करना चाहें तो उन सबका स्वागत है सर। जी सर जी, और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जी जी, सबको उनका हक है, मिलना चाहिए, ये उनका प्लेटफॉर्म है जी सर। तो बिल्कुल सब जो बच्चे हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं, इस लाइव शो में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सबका स्वागत है। वो जब तक जुड़ जाते हैं तब तक मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका टाइम शेड्यूल। सर टाइम शेड्यूल के बारे में यदि मेरा पर्सनल टाइम शेड्यूल पूछना चाह रहे हैं तो वो ये है कि सर मेरे को इस एजुकेशन लाइन में आए हुए 19 साल हो गए जी सर, और 19 साल में मैंने कभी कोई संडे की छुट्टी नहीं ली है। एक बात तो ये, मैं नेवर ड्यूटी ऑफ रहता हूँ। 24x7 इंस्टीट्यूट के लिए हम समर्पित हैं, दिन रात इनके लिए कार्य करते हैं जी सर। और मेरा जनरल जो टाइम शेड्यूल था बिफोर कोरोना वो हमारा रहता था सुबह 4 बजे से रात की 11 बजे तक जी सर। और अब हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है जी सर। तो अभी सर टाइम हम एक्चुअली हमारा खुद का जो है वो लंबा हो गया है जी सर। अभी सुबह लगभग 5-6 बजे से शुरू होता है और रात की 2:30-3 बजे तक चलता है सर। जी सर जी, अच्छा सर। तो ये टाइम शेड्यूल रहता है बच्चों के लिए समर्पित है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आपको काम करना है तो घड़ी नहीं देखनी चाहिए, घड़ी देखते हो तो काम नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने यही चीज़ को जिंदगी में उतार लिया सर जी, कि हम कोई टाइम दे करके काम नहीं करते, हमारा बच्चा किसी भी स्थिति में परेशानी में न रहे उसके लिए बिल्कुल हम तैयार रहते हैं और उनको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। अगला कॉलर ले सकते हैं। कृष्णा मिर्धा हमारे साथ हैं। हाँ कृष्णा हमारे सोमदेव जी की पुत्री है, बहुत ही होनहार बच्ची है और इनकी जो अभिभावक है वो भी हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ है। कृष्णा हमारी नर्सरी क्लास से स्टूडेंट रही है। अच्छा सर जी, बहुत बहुत स्वागत है। Myself Krishna Mirda from 8th class, Kalpana Chawla International Senior Secondary School, Puchera. As we all know that whole world is suffering from an epidemic disease called coronavirus COVID-19. So all the school and colleges are closed in this period. But KCIS school launched new online classes for the bright future of the students. I want to thanks to my CMD sir, Kripa MD sir, and thanks to MD sir, Rajendraji sir, and thanks to all teachers who teaching us in this time. Thank you for this effort. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और अपना फीडबैक देने के लिए। बहुत ही बढ़िया, आई थिंक बच्चे की मदद हो रही है। जी सर जी। सर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है अभी फिलहाल स्कूल के लिए चला रहे हैं, क्या आगे कोई इरादा है कॉलेज लेवल या कॉम्पिटिशन हाँ, लेवल? देखिए जैसे जैसे हम लोगों ने इसकी जो शुरुआत की थी स्कूल की वो नर्सरी से शुरू की थी। अच्छा सर। और हम स्टेप बाय स्टेप करके वन बाय वन करके आज अपना जो इंस्टीट्यूट है वो सीनियर सेकेंडरी तक पहुँच चुका है। जी सर। 2 बच्चों से शुरुआत की थी, आज हमारे पास में 3 ब्रांचें हैं। तो केसीएस नेवर स्टॉप्स, कभी रुका नहीं है जी सर। और भगवान का जैसा जैसा हमारे पर आशीर्वाद रहेगा, जो अभिभावकों का जैसा जैसा हमारे साथ सहयोग और प्यार रहेगा जी सर, तो इसको कॉलेज आगे तक लेके जाएंगे। और इवन आगे यदि इसका कहीं ज़रूरत पड़ी तो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स तक को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उन बच्चों की भी हम मदद करना चाहते हैं। जी सर। हमारे साथ नेहा सोनी है। जी नेहा सोनी बहुत ही होनहार, बहुत ही मजबूत बच्ची है जी सर। इसके अंदर हमारा जो मिशन है वो कूट कूट के भरा रहता है जी सर। हमारे टीचर्स हर एंगल से इसको चेक कर चुके हैं कि इसके मार्क्स कैसे काटें, ये कभी 99 से नीचे नहीं आती है।
तो बहुत ही होनहार बच्ची है, इसका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। जी सर। आई एम नेहा फ्रॉम क्लास 9। आई स्टडी इन केसीआई स्कूल कुचेरा। द स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड ड्यू टू कोरोना वायरस। द कोविड 19 पेंडेमिक लॉकडाउन हैज फोर्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया टू टेम्परेरली शट डाउन। सेवरल स्कूल इन आवर कंट्री स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस टू हेल्प स्टूडेंट्स कंटिन्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम। And our school also start the online classes for us. I have so much fun in these online classes. To ensure that students do not miss out on their studies, school moved online and students attend classes through their gadgets. In my opinion, online courses are widely used nowadays by every student. It provides you class discussion, course material and many more things. It make our work more easier and faster. We are able to learn efficiently and clear our doubts whenever required. Overall, it is a good start, and I think with time we will get better at working online, and soon it will be like a normal class experience with many more benefits. Thank you, Neha. Our teachers are also a corona warrior. Our teachers focus on us and they try to remove darkness of illiteracy and fill it with light of knowledge. And in the end, I like to say that our online classes are really amazing. You should also join the online classes and continue your study. And special thanks to our teachers and school management. Stay home, stay safe, enjoy e-learning. बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, अपना कीमती समय हमारे साथ में देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और इस केसीएस का एक मजबूत स्टूडेंट अपने आप को बनाने के लिए केसीएस परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है आपको। थैंक यू जी। कृष्णा की बात सुनकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की स्टडी बाधित हो गई है ड्यू टू कोरोना जी, वो लोग केसीएस ऐप यूज करो ना। हाँ जी, हमने ये कोरोना का जो सेकेंड लॉकडाउन चल रहा था तो मेरा यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो रखा, मैंने एक लाइव आकर के एक दिन 5 मिनट का एक वीडियो दिया था जी सर। और मैंने सभी बच्चों को आश्वस्त किया था, मैंने कहा जब तक केसीएस है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके लिए लेके आएंगे लाइव क्लासेस। और सेकेंड लॉकडाउन के बाद में जैसे ही सरकार ने कुछ परमिशन दी कि आप कहीं से भी अपना सामान वगैरह लेके आ सकते हो थर्ड लॉकडाउन के बाद में, तो हमने सारा सब कुछ ये शुरू कर दिया मई एंड तक, और जून में हमने क्लासें देना शुरू कर दिया। अच्छा सर, तो आप किसी भी बच्चे को आई थिंक पढ़ाई के मामले में सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गरीब है अमीर है, किसी भी जगह का है और किसी भी वर्ग का है, कोई सा भी मीडियम का है जी सर, केसेस ज्वाइन कर सकता है, केसेस के साथ बना रह सकता है जी सर, किसी भी प्रकार से अपनी पढ़ाई को है जी सर, वो जारी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, आराम आराम से वो पढ़ सकता है सर जी। सर प्राची हमारे साथ जुड़ी हुई है सर जी, प्राची के व्यूज लेना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है प्राची आपका। Yes, all of you. Myself, Prachi Rose from class 10th. I study at Kalpana Chawla School, Jail. I really proud that I study at Kalpana Chawla School, Jail because coronavirus time is running out. But our school teachers are very active. They have started our online classes on the time of COVID-19 too. I am taking full advantage of online classes, and the students who are not studying online right now, I want to also give an advice them. Then they have get maximum benefit of online classes. Therefore, I want to thank the Kirparamji sir and Rajendra ji sir. Thank you so much and thanks to all teachers. Thank you, Prachi. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। हाँ अब हम बात करना चाहेंगे सर, स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करवाती है केसीएस। जी जी जी, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए हमने कोरोना से बिफोर एक योजना चलाई थी बच्चों के लिए जी सर, कि जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जी सर और वो पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर स्कॉलरशिप नाम से एक आइकन बना हुआ है। ये स्कॉलरशिप अदर देन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप? हाँ, स्कूल की नहीं नहीं, ये हम अपना निजी दे रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो दे रही है उसको तो उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, जी, जी, वो तो गवर्नमेंट दे ही रही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं जी सर। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अलावा जो भी बच्चे हैं जी सर वो इसके साथ कैसे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं जी सर, और उनकी कोई दिक्कत आ रही है
तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो हम लोग तैयार करते हैं उसके लिए, कोई भी बच्चा है ये, इसकी शुरुआत जो है, इसकी नींव जो है हमने 2017 में 16 में रखी थी, 16-17 का जो सेशन था जी सर, उसमें हमने फर्स्ट टाइम ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाया था और करीब 1200 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। अच्छा सर। हाँ, उस समय हमने नगद पुरस्कार भी दिए थे बच्चों को और स्कॉलरशिप भी दी थी जी सर। वो जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है वो हमारा हमेशा से चालू रहेगा, कभी हम उसको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिभा जहाँ भी है वो अपना टेस्ट दे सकती है और टेस्ट देने के बाद में वो अपने आप को, अपनी प्रतिभा को साबित कर सकती है जी। जितनी जिस लेवल की उसकी प्रतिभा उस लेवल पर उसको स्कॉलरशिप स्कूल देती है, और वो एक वर्ष के लिए नहीं लाइफ टाइम के लिए होता है जी। जी सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी सर, हमें बुलाने के लिए, इस बहुत ही नायाब चर्चा के लिए जी सर। हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे अभिभावकों का, हमारे सभी बच्चों का और सभी जो दर्शक है हमारे, जो हमारे को बहुत प्यार और मान सम्मान देते हैं, इन सब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केसीएस, जय मिशन 90+। जय केसीएस, जय मिशन 90+। जय हिंद सर। जय सर।